अच्छा, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया किसे कहते हैं कि हम जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, इसको हम कहते हैं एनीमिया। लेकिन जब आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो फिर उसको हम कहते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिप्लीशन ऑफ द आयरन स्टोर, इसको हम कहते हैं एनीमिया। फिर ये क्या है कि आयरन है, आयरन में क्या है कि ये न्यूट्रिशनल एनीमिया है, सही। एक ही होगा न्यूट्रिशन होगा, एक दूसरा है कि इसको हम कहते हैं कि माइक्रो सिटिक एनीमिया, क्योंकि यहाँ पर जो साइज होती है रेड ब्लड सेल की, ये भी क्या होती है कि इनॉर्मस से भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल की क्या कहते हैं कि साइज जो है ना वो 7.2 माइक्रोमीटर के बराबर है, लेकिन ये फिर उससे भी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, तो फिर उसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। फिर इसमें आता है कि यहाँ पर 20% जो वोमेन में जो होती है वो आम वोमेन में होती है ज़्यादातर। फिर उसके बाद 90% चांसेस जो है ना वो 90% वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी मदर में, मीन्स 90% जो प्रेगनेंसी मदर होती है या वोमेन होती है, इसमें क्या होती है कि 90% केसेस में क्या होती है कि आयरन डिफिशेंसी आईडीए, जिसको हम कहते हैं कि ये होता है मेन में, बहुत 3-5% जो है ना ये होता है, मीन्स यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में मेल में होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सही। फिर इटियालॉजी, आप क्या कहते हैं इटियालॉजी की बात कर ले, या इटियालॉजी ऑफ आईडीए, जिसको हम कहते हैं कि कॉजेज ऑफ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो ये तो बहुत इजी है कि इटियालॉजी ऑफ आईडीए क्या है कि फिर आयरन जो डिमांड होती है, अगर क्या कहते हैं कि इंक्रीज बॉडी डिमांड, जब बॉडी को जरूरत होती है आयरन की, सही, तो इस वजह से क्या होगी, अगर आयरन आयरन कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि इंक्रीज बॉडी डिमांड की वजह से आयरन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो जाए, सही। कौन कौन से प्रेगनेंसी में, जो इसको हम कहते हैं कि इन्फेंसी में जो छोटे बच्चों में होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आनली मिल्क क्या कहते हैं कि मदर मिल्क पीते हैं, लेकिन मदर मिल्क में जो है आयरन है वो क्या है, पोर कंसंट्रेशन में होते हैं, तो इस वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन होती है किसमें, चिल्ड्रन में भी, सही। दूसरा है कि माल अब्जॉर्प्शन, जो उसको हम कहते हैं कि माल अब्जॉर्प्शन, जो आयरन है इसकी क्या हो जाए, अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली ना हो, सही है। ड्यूरिन हमने ऑलरेडी नेक्स्ट पहले वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया था कि आयरन जो होता है वो क्या पर ऑब्जर्व होता है, ड्यूरिनम में, लेकिन कुछ डिजीज की वजह से, कुछ इफेक्ट की वजह से वो स्टोर नहीं होता या वो ऑब्जर्व नहीं होता, तो इस वजह से भी क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया काज होता है, सही। तीसरा काज है, इसको हम कहते हैं कि ब्लड लॉस, अगर बॉडी से ब्लड लॉस हो जाए, सही, अगर माल अब्जॉर्प्शन में हो जाए कि डाइट क्या हो जाए कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन कंटेनिंग, सही, कि आयरन जो है ना वो क्या है जो फूड में होता है डाइट में होता है वो क्या हो, कम हो। तीसरा है ब्लड लॉस, जिसको हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम ले लें तो इसमें भी ब्लड लॉस होता है, सही। हम कहते हैं कि 1 ml ब्लड लॉस में 0.5 mg ऑफ आयरन क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि लॉस होता है, 1 ml में 0.5 mg ऑफ आयरन क्या होता है कि ये लॉस होता है। ये तो थ्री काजेस हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम एक ये भी होता है एक जब डायरिया, हम कहते हैं कि ब्लड डायरिया, इसमें भी स्टूल में अगर क्या हो जाए ब्लड जाए, इससे भी ब्लड की कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी, तो इससे भी क्या होता है कि आईडीए काज होता है। तीसरा इसमें भी आता है कि हम कहते हैं कि नोज ब्लीडिंग भी इसमें आता है, मुख्तलिफ किस्म काजेस है। फिर पोर है, इसको हम कहते हैं कि पोर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, अगर हम काले से ही इसमें आयरन की कंसंट्रेशन क्या हो, ब्लड में उसी कंसंट्रेशन क्या हो, कम होते से भी आईडीए काज होता है। सो ये क्या है कि एटियोलॉजी आता आईडीए हो गए। अब बात करते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि लेफ्ट डायग्नोस, सही, लेफ्ट डायग्नोस में हम कहते हैं कि ये क्या, अगर
हम किस तरह पॉइंट करेंगे कि एक बंदे में आयरन डिफिशेंसी एनीमिया है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको हम कहते हैं कि सीबीसी स्कैन करते हैं, सही। सीबीसी, सीबीसी में कहते हैं कंप्लीट बाउंड, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। तो एनीमिया में क्या होगा, एक इसमें एक केवल होता है हीमोग्लोबिन। तो एनीमिया में क्या होगा, हमने ऑलरेडी बताया कि इट इज़ अ डिफिशेंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, सही है। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, सही है। आरबीसी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, सही है। एमएचसी और एमसीबी, ये भी क्या होती है कि ये भी डिक्रीज हो जाती है, सही है। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इसके साथ थोड़ा सा लिंक है प्लेटलेट्स के साथ, क्योंकि इसका जो हम कहते हैं कि थ्रोम्बोफाइटिन है, और इसको हम कहते हैं कि इसकी प्रोटीन और इलेक्ट्रो, इसको हम कहते हैं जो क्या कहते हैं कि हीमोग्लोबिन, सॉरी जो रेड ब्लड सेल की मेन दान है उससे जो बनता है, सही। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन एंड थ्रोम्बोपोइटिन बिल्कुल एक बिल्कुल स्ट्रक्चर कभी कभी सिमिलर होते हैं, तो इस वजह से ये किसी कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिक्रीज या नॉर्मल भी हो जाती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी भी नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन एजोनोफिल की कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं कि एजोनोफिल की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, सही। यहाँ पर होता है कि आरडीडब्ल्यू, इसको हम कहते हैं आरडीडब्ल्यू, ये क्या है कि आरडीडब्ल्यू में स्ट्रक्चर क्या हो, वेरिएशन हो, लेकिन इसमें क्या होती है कि यहाँ पर साइज माइक्रोस्टिक है, तो ये क्या होता है, वेरिएशन आता है इसमें, तो आरडीडब्ल्यू क्या होता है, आरडीडब्ल्यू विल बी इंक्रीजेस, सही। फिर इसमें आता है कि सी भी हो गया, फिर दूसरा टेस्ट आता है, उसको हम कहते हैं सीरम प्रोफाइल, सही। तो सीरम प्रोफाइल में क्या देखते हैं कि सीरम की कंसंट्रेशन को देखते हैं, तो इसमें आता है कि सीरम पेरिटिन जो होता है, पेरिटिन आयरन क्या होगा, पेरिटिन जिसको हम कहते हैं कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है, तो आयरन है ही नहीं, तो क्या होगा, ये बिल्कुल डाउन होगा, सही। फिर दूसरा है कि परसेंटेज हिबिसिटी, इसको हम देखते हैं ना, सैचुरेशन, सही। मतलब कितना परसेंट जो है ना वो परसेंट स्टोरेज है, कितना परसेंट है, अगर वो वहाँ पर प्रोटीन है ही नहीं, आयरन है ही नहीं, तो सैचुरेशन क्या होगा, विल बी डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर एक बात है, टीआईबीसी जिसको हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पर आयरन हो मतलब प्रेजेंट कम है ना, आयरन कम है तो वहाँ पर बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि वहाँ पर आयरन की इसको हम कहते हैं कि आयरन कम होगा, आयरन होगा नहीं तो बाइंड किस तरह होगा, तो टी आई बी सी क्या होगा, वे भी इंक्रीज होगा। सो ये क्या है कि इट्स द सी बी सी, इट्स दिसको हम कहते हैं कि हमने लेट डायग्नोसिस की, सही है। फिर उसके बाद साइन एंड सिम्पटम आते हैं, कि साइन एंड सिम्पटम में क्या होता है कि पेलर होता है, प्रेजिटेबिलिटी होता है, इसको हम कहते हैं डिजनेस भी होता है, समटाइम फीवर भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है, और इसको हम कहते हैं स्पेशल साइन इसमें होता है, इसको हम कहते हैं स्पून शेप नेल, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल टेढ़े जैसे क्या होता है, नाखून होते हैं इसमें, सही है। एक्स में आता है कि ग्लॉसटाइटिस भी होता है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग भी कहते हैं। फिर इसमें आता है एंगल, जिसको हम कहते हैं चिलोसिस भी आता है इसमें भी, सही है। और एक होता है पिकस सिंड्रोम, इट्स अ स्पेशल साइन ऑफ द आईडीए। सो ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट आयरन डिफिशियंसी एनीमियापैथी काजेस पैथोलॉजी, इसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद सी बी सी भी हो गया, अब क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी बता भी दिया कि इसको हम साइन एंड सिम्पटम भी हो गए। अगर हम इसकी बात कर लें आसानी से, अगर हम ओरली आई वी आई एम में क्या दे दें, आयरन दे दें, तो इससे भी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि इसको हम कहते हैं कि आयरन क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम वो कर लें